ਅਜੀਤ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਮਾ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੈ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜਸਵੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ये पहले भी हमारे स्कूल में आए हुए हैं जब एनुअल फंक्शन पे, फिर मेरा मन था कि हम 26 जनवरी मना रहे हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएं बच्चों को। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कब लागू हुआ और कौन कौन से उनके मेम्बर्स थे, हमारे राइट्स कौन कौन से हैं और हमारे ड्यूटीज कौन कौन सी हैं। और आजकल बहुत इसके बारे में चल रहा है, सीए के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में इन्होंने बताया। जैसे कि पहले सेकुलर वर्ड नहीं था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में और वो बाद में डाला गया, और इसी तरह से बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं और सीए भी एक अमेंडमेंट है, बिल जो है वो पहले ही बना हुआ है। और बच्चों ने आज फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, और वैसे हम हर सेलिब्रेशन जो है वो फेस्टिवल के साथ ही करते हैं क्योंकि मौसम कुछ खराब था, इसलिए हमने सारे सेलिब्रेशन जो हैं वो इकट्ठी कर ली हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी का हमने मनाया जन्मदिन, उसके बाद उनका लोहड़ी, मकर संक्रांति, सुभाष चंद्र बोस जी का और महात्मा गांधी का पुण्यतिथि आ रही है 30 को, बसंत पंचमी है, बाबा दीप सिंह जी का है, तो वो मनाया बच्चों को, बच्चों को उनके बारे में बताया। और एक ये बहुत ज़रूरी चीज़ है स्कूल के लिए कि बच्चे इनके बारे में जाने और उनको एक दिशा मिले। जैसे हमारे युवा आइकॉन जो हैं वो विवेकानंद जी हैं, तो उनके बारे में भी बच्चों को बताया गया क्योंकि ये पीढ़ी जो नया डिकेड शुरू हुआ है तब तक युवा हो जाएगी और देश की जिम्मेदारी युवा पर होती है, और वो उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें।